गद्दारी जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे ऐसे ही कुचला जाता है। जो खालिस्तानी कनाडा की सड़कों पर खुलेआम भारत को गाली देते थे, भारतीय तिरंगे का अपमान करते थे, वो अब सरेआम बेइज्जत होने लगे हैं, सरेआम पिटने लगे हैं। कनाडा में खालिस्तानियों के साथ बड़ा खेल हो गया है। कनाडा की सड़कों पर कुछ सच्चे भारतीय लोगों ने खालिस्तानियों की ऐसी इज्जत उछाली है जिसे देखकर आज पूरा भारत खुश हो जाएगा। इस खबर पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन आज हम आपको ये शानदार खबर दिखाएंगे। दरअसल जिस वक्त भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन कई गद्दार खालिस्तानी कनाडा के सरे शहर में अपना पीला झंडा लेकर भारत विरोधी नारे लगाने पहुंच गए। ये गद्दार खालिस्तानी भारत के हर स्वतंत्रता दिवस पर यही करते हैं, लेकिन इस बार इनका सही इलाज हो गया। खालिस्तानियों की इस भारत विरोधी रैली का पता भारत के कुछ लोगों को चल गया। भारत के ये लोग तुरंत तिरंगा लेकर इनका सामना करने पहुंच गए। खालिस्तानी संख्या में बहुत ज्यादा थे, लेकिन भारत के इन कुछ लड़कों ने खालिस्तानियों के परखच्चे उड़ा दिए। खालिस्तानी तो कनाडा की पुलिस के पीछे बस यही दुआ करते रह गए कि कहीं कुटाई ना हो जाए। मजे की बात देखिए कि खालिस्तानी जिस सरे शहर में ये भारत विरोधी रैली निकाल रहे थे, वो खालिस्तानियों का गढ़ कहा जाता है। इसी इलाके में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर आपसी रंजिश में भी मारा गया था, लेकिन भारत के लोगों ने सरे में घुसकर ही खालिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर जलील किया। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो खालिस्तानी बिना किसी डर के भारत को गाली दे जाते थे, उन्हें अब खुलेआम चुनौती मिल रही है। इन खालिस्तानियों को भारत विरोधी रैली निकालने के लिए पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कनाडा की पुलिस भी इन खालिस्तानियों को नहीं बचा पाएगी। सच्चे भारतीय लोगों ने खालिस्तानियों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये खालिस्तानी अब कनाडा पर बोझ बनते जा रहे हैं। कनाडा की आम जनता भी अब इनसे नफरत करने लगी है। मजे की बात देखिए कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार को अब इन खालिस्तानियों का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। भारतीय स्टूडेंट्स की अब कनाडा में जाने की रुचि खत्म हो रही है। यहां तक कि कनाडा के विपक्षी दल भी अब जस्टिन ट्रूडो पर टूट पड़े हैं।